कुल्लू और लाहौल स्पीति के पूर्व सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने देश के शहीद वीर जवानों को याद कर उन्हें नमन किया। कुल्लू में पूर्व सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कुल्लू एवं लाहौल स्पीति पूर्व सैनिक संघ के चेयरमैन टीएस ठाकुर ने कहा कि देश की सीमा पर शहीद सैनिकों का बदला लिया जाए और सरकार चीन की जितनी भी वस्तुएं आयात होती है उसमें रोक लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों में भी रोष है, ऐसे में पूर्व सैनिक भी सेना के साथ सीमाओं पर चाइना के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है। 20 हमारे 20 सैनिक जो है लगवान वैली लद्दाख में जो शहीद हुए हैं उनको हम अपने मन से नमन करते हैं और उनको भावपूर्वक जो है श्रद्धांजलि देते हैं। हम उनकी जो फैमिली है उनको भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको यथाशक्ति दे ताकि उनके जो क्षति हुई है उनको साहस दे और उसको बर्दाश्त करने के लिए। साथ में ही हम ये भी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए और साथ में हम सरकार से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि जो चाइना की जितनी भी चीज़ें इम्पोर्ट की जाती हैं उनका बहिष्कार किया जाए और उन पर जो है वो रोक लगाई जाए और चाइना को जो है इकोनॉमिक स्थिति से और कूटनीतिक स्थिति से और आर्मी की हमारी शक्ति से उनको अलग थलग किया जाए और उनको जो है वो सबक सिखाया जाए। यही हमारी और हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें बहुत जोश है और उनमें बहुत आक्रोश है और चाहे तो हम भी जो उनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।